सिक्सटी फाइव मिनट्स के अंदर एक कंपोनेंट बन जाएगा तो वो उसके लिए हमने प्रेसिडेंस डायग्राम डेवलप करना है इसके अंदर जो प्रेसिडेंस डाटा है फॉर विंग कंपोनेंट दैट इज गिवन इसके अंदर देर आर टास्क फ्रॉम ए टू आई इनको हमने कोड किया हुआ है ए टू आई तो इसके अंदर ए टेन मिनट्स लेगा टास्क बी विल टेक एलेवन मिनट्स सी विल टेक फाइव मिनट्स एंड सो ऑन तो ये सारे टास्क का टाइम जब हम सम करें तो टोटल टाइम आ रहा है सिक्सटी सिक्स मिनट नाउ देर इज अनदर लास्ट थर्ड कॉलम विच इज मस्ट फॉलो टास्क लिस्टेड बिलो सो हमने जब डायग्राम बनाना है तो वी शुड फर्स्ट लुक एट द लास्ट कॉलम दिस वन इसके अंदर हमने देखना है कि कौन सा टास्क इधर नजर आ रहा है और फिर इसके अगेंस्ट हमने देखना है कि कौन सा टास्क ऑपरेट होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर डैश नजर आ रहा है हमें ठीक है और डैश के अगेंस्ट हमारे पास टास्क ए है दैट मीन्स के ए से पहले ये परफॉर्म होना चाहिए बट डैश का मतलब है देर इज नो टास्क सो वट डज दैट मीन दैट मीन्स के ए इज द फर्स्ट टास्क टू बी परफॉर्म क्योंकि इससे पहले कोई परफॉर्म नहीं हो सकता नाउ लेट्स लुक एट एनअर टास्क ऑन इन दिस कॉलम विच इज ए इट सेज के ए के बाद जब ए कंप्लीट होगा तो हम बी शुरू कर सकते हैं इसी तरह जब ए कंप्लीट होगा तब हम ई e शुरू कर सकते हैं बी कंप्लीट होगा ये दो हैं बी तो हम सी और डी शुरू कर सकते हैं सो वी शुड लुक एट द थर्ड कॉलम द लास्ट कॉलम और उधर से फिर हम लेंगे कि यह टास्क किस टास्क से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए उसके बेसिस के ऊपर फिर हम डेवलप कर सकते हैं प्रेसिडेंस डायग्राम तो यह है फॉर एग्जांपल अगर हम इधर देखें तो हम कहते हैं कि सी और डी ये दोनों कंप्लीट होंगे तो फिर एफ हम शुरू कर सकते हैं काम दिस नॉट मीन कि सिर्फ सी या सिर्फ डी कंप्लीट हो जाए नहीं दोनों सी और डी की कंप्लीशन के बाद ही एफ शुरू हो सकता है ये इट इज जस्ट लाइक एन एग्जांपल मैंने आपको दी टायर चेंज करने की कि उसके अंदर देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क टायर ट्रंक से निकालना टायर और जैक फिर वो टायर को नट्स को लूज करना फिर जैक से उसको रेस करना नाउ दीज ऑल आर डिफरेंट टास्क बट परफॉर्म हो रहे हैं एक सीक्वेंस में टायर रिमूव करके दूसरा टायर लगाना फिर नट्स टाइट करने और जैक को लोअर करना सो so ये सारे टास्क जो है ये परफॉर्म होंगे तो आपका एक पूरा कंप्लीट होगा अब इसके अंदर आप कई वर्क स्टेशन बना सकते हैं और उसके हिसाब से इसको देख सकते हैं कि ये किस सीक्वेंस में आ रहा है और किस वर्क स्टेशन में क्या चीज होनी चाहिए तो इसको हम अगर इसको देखें तो हमारे लिए ये प्रेसिडेंस डेटा जो है दैट बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि दिस मीन्स के ए जब तक परफॉर्म नहीं होगा तो बी और ई e शुरू नहीं हो सकते तो ये इसकी एक सिंपल uh, एग्जांपल है दिस इज प्रेसिडेंस डेटा जो कि हमें अवेलेबल होता है और इस बेसिस के ऊपर हम प्रेसिडेंस डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं प्रेसिडेंस uh, डायग्राम को अगर हम लेकर चलें तो प्रेसिडेंस डायग्राम अब क्या है जैसे मैंने कहा कि ए सबसे पहले परफॉर्म होगा तो ए हमने सबसे पहले लेकर आए हैं और इसको एक सर्कल की शक्ल के अंदर हम डालते हैं दैट इज दैट शोज टास्क और इसके बाद क्या होगा तो वो एरोज के शेप में होगा फॉर एग्जांपल ए के बाद बी और ई e परफॉर्म हो सकते हैं तो दीज टू विल बी परफॉर्म आफ्टर कंप्लीटिंग ए टास्क बी के बाद हम इधर देखें तो ये दो बी के हैं और यह पहले परफॉर्म होंगी बी और उसके बाद सी और डी परफॉर्म होंगे सो डाइग्राम के अंदर वी शो सी और डी बी के बाद परफॉर्म हो रहे हैं देन वी कम अप विद सी और डी के बाद एफ परफॉर्म होगा तो सी और डी के बाद एफ आ रहा है कि वो परफॉर्म होगा और एफ के बाद वी सी के जी परफॉर्म होगा तो एफ के बाद वी हैव जी एंड ई के बाद एच परफॉर्म होगा सो ई के बाद वी हैव एच एंड जी एंड एच के बाद आई परफॉर्म होगा एंड दिस इज़ बेसिकली योर प्रेसिडेंट डाइग्राम ऑफ मैनुफैक्चरिंग विंग कंपोनेंट तो उसका ये प्रेफरेंस डायग्राम है इसको आप इस प्रेफरेंस रिलेशनशिप को इसके अंदर किसी किस्म का भी आप मिस्टेक नहीं कर सकते इसी सीक्वेंस के अंदर ये टास्क परफॉर्म होंगे और जब वर्क सेंटर्स के अंदर और वर्क स्टेशन के अंदर जब आपने इन टास्क को असाइन करना है तो इस सीक्वेंस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि इंस्टेड ऑफ giving ए वर्क सेंटर वी असाइन लेट्स एफ फर्स्ट दैट that नॉट पॉसिबल possible that कैन नॉट बी डन जब तक बी नहीं होगा तब तक सी और डी नहीं होंगे और जब तक सी और डी नहीं होंगे तब तक एफ नहीं होगा तो हम ये नहीं कर सकते कि एफ को हम पहले असाइन कर दें वर्क सेंटर या वर्क स्टेशन के अंदर और बी को बाद में करें तो इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा ये और ये प्रेसिडेंस डाइग्राम है जो कि ये सारी चीज़ों को इंश्योर करता है कि आप इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना कर